वेलकम टू अलीनास कुकिंग। हम बना रहे हैं दो ग्रीन चटनियाँ। तो चलते हैं पहली चटनी की तरफ, जिसके लिए लिया है मैंने हरा धनिया, दो लहसुन की कलियाँ, पाँच छः हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून दही। सारी चीज़ों को मिक्सी में ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच दही। 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार है। तक अब दही लिया, उसमें जो चटनी बनाई है उसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पकौड़ों वाली चटनी तैयार है। वाली ग्रीन चटनी बन गई है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी चटनी बनाने के लिए लिया है मैंने पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज, 2 अदद लहसुन की कलियाँ, 5-6 हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 लेमन। सबको हम मिक्सी में ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और लेमन जो लिया था उसका जूस डाल लें और 1 बारीक कटी हुई टमाटर। इन सबको मिक्सी में ऐड करके 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये है हमारी पुदीने की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे पकौड़ों के साथ खाएं, चिकन रोस्ट के साथ खाएं। दोनों चटनियां हमारी बनकर तैयार हैं। एक दही के साथ ग्रीन चटनी है और एक पुदीना और हरा धनिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।